बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलके 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने असली पहचान को भुलाने की कोशिश जारी कर रखा। हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, मेरा असली परिचय है कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं हमारे असली परिचय को भुलाकर हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम शिख, हम ईसाई, इसको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा करने चाहते हैं। ये जो तीन दिन का हिंदुस्तान के मजदूरों का जो समावेश धरना है, इसमें से एक आवाज हमने देने चाहते हैं। हिंदुस्तान सब साथियों का, धर्म, मजहब, भाषा जो भी हो, हमारा पहला परिचय हिंदुस्तानी है, इसको भूलना मत। और हिंदुस्तान को जो टुकड़ा करने चाहते हैं उनके खिलाफ हमारा ये आवाज बुलंद होगा, होते रहेगा। हिंदुस्तान में 42 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, लेकिन अभी तक केंद्र में कोई भी सरकार खास तरफ से अच्छे दिन आने वाले बोलने वाला सरकार कोई मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया। उसके उन्होंने बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, और बैंक में आज के दिन 11.5 लाख करोड़ रुपया जो देश के पूंजीपतियों ने धार लिया, उधार लिया, वापस नहीं किया, उसको वापस लेने के कोई जरूरत नहीं समझ रहे मोदी सरकार, उसको दे रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। उनके पास रुपया है, ये बैंक में जो पैसा पूंजीपतियों ने लिया वो वापस ले, जो इतना घोटाला हो रहा है उसमें अगर हम छानबीन करके पैसा ले सकते हैं तो 42 करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए कुछ कर सकते हैं। निर्माण मजदूरों का कानून बना 1996 में, आज 2017 32,500 करोड़ रुपया शेष तैयार हुआ, इकट्ठा हुआ, मजदूरों को कितना मिला? 7,500 करोड़। रेलवे का कंस्ट्रक्शन से शेष नहीं आता, डिफेंस का कंस्ट्रक्शन से शेष नहीं आता, बड़े बड़े आवासन तैयार होता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, कलकत्ता, पैसा नहीं आता, शेष नहीं आता, कोई देखने वाला नहीं है। ये हमने मांग कर रहे हैं इस महापड़ाव से कि इसको कुछ करना जरूरी है। कॉमरेड, लाखों लाखों मजदूर हैं जो आईसीडीएस के काम करते हैं। ये केंद्रीय सरकार, अच्छे दिन लाने वाली सरकार, अभी सिद्धांत लिए कि बेनिफिशियरी का पैसा उनके माता के अकाउंट में डाल देंगे, आईसीडीएस खत्म हो जाएगा, लाखों मजदूरों का नौकरी चला जाएगा। क्या हिंदुस्तान के मजदूर सोचेंगे, सोचते रहेंगे? इनके खिलाफ कल, आज और आने वाले कल का मजदूर आवाज उठाएंगे। ये सरकारी सिद्धांत को नाकामयाब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हिंदुस्तान के ये सरकार कानून को ऐसे तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, कोई भी कारखाना के मालिक, हम जिस टाइम में हमको फुर्सत मिले कारखाना बंद कर देंगे, और एक चिट्ठी लिख देंगे सरकार को, हमने कारखाना बंद किया,
मजदूरों को पैसा दे दिया, बस देश का कानून जो मजदूरों का खून पसीना बहाकर इतना कुर्बानी देने के बाद जो श्रम कानून तैयार हुआ उसको खत्म करने के लिए जो कर रहे हैं, नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। इसको खिलाफ हमारे आवाज बुलंद करना होगा। हम अंत में बोलने चाहते हैं, हमारा टाइम ओवर। ये सरकार, ये मोदी सरकार का नया मंत्र है, सरकारी कंपनी को बेच डालो, हिंदुस्तान के मजदूरों के, किसानों के टैक्स के पैसा से जो सरकारी कारखाना तैयार हुआ, बैंक बीमा बेच डालो, बेच डालो। वो जो एक तो टीवी में बेचता है ना, एडवर्टाइजमेंट होता है, वेलएक्स में बेच डालो, ये पूरा हिंदुस्तान को बेच डालेंगे। इनके खिलाफ हमारे आवाज बुलंद करना होगा, और इस महापड़ाव से ये आवाज भी जाना चाहिए कि आने वाले दिन में हिंदुस्तान के मजदूर लगातार धर्मघट करने के लिए, हड़ताल करने के लिए तैयार है। लाल सलाम कमरे।